कहने को तो बोलते हैं कि हम सब हम आपके साथ हैं। जब हमें सफलता प्राप्त होगी ना फ्रेंड्स, तब हम हमारे साथ सब होते हैं। ऐसे ही कोई साथ नहीं होता है। कहने के लिए तो सभी बोल देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब पीठ के पीछे तो बहुत ही सब बातें करते हैं कि तुम ऐसी हैं, वैसी हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं, बट ये सब हम अगर सोच के चले तो ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती है और हम उसी बीच उसी के गुलाम रह जाते हैं और हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और टेंशन से अपनी सेहत हेल्थ का हम अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो जैसे हम आए हैं, अपना जो भी काम है हम उसे अपना काम करते रहना है और दूसरे की बातों पे ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स। अपना काम में लगे रहो, आज नहीं कल तो ज़रूर सफलता प्राप्त होगी, ऐसा नहीं नहीं होगा। और यहाँ पर हम हाउसवाइफ को डेली में अपना यही रूटीन रहता है, सुबह उठो, नहा धो, पूजा पाठ करो अपना, फिर नाश्ता पानी में सब लग जाओ, टिफ़िन तैयार करना है बच्चों का, हस्बैंड का, सबका। ऐसे ही करते करते फिर सब काम पूरा, डेली रूटीन तो हर एक हाउसवाइफ का यही रहता है कि उठना है सुबह, उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके अपना किचन संभालना है, बच्चों को देखना है, उनका टिफ़िन, इनका टिफ़िन, ये वो, बच्चे स्कूल गए, कॉलेज गए, हस्बैंड गए ऑफिस, फिर ऐसे ही तैसे पूरा दिन बीत जाता है। कपड़े हैं, किचन है, झाड़ू है, पोछा है, इसी काम में हम हाउसवाइफ का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं हम हाउसवाइफ, चाहे कितना भी कुछ हो, और निकालना भी चाहिए, थोड़ा अपने लिए भी आराम मिल जाता है। और इसी तरह हम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और हम बहुत सी लेडीज़ हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ काम पे नहीं जाती हैं, काम पर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, बहुत सी लेडीज़ अपना घर का काम धाम करके सब कुछ मैनेज कर रही हैं ना, तो एक हाउसवाइफ तो सब कुछ संभाल लेती है। भगवान इसीलिए उनको इतना ताकत देते हैं कि तुम अपना सब कुछ संभाल सको आगे चल कर। अब बात आती है हाउसवाइफ को कब कितने बजे सोना चाहिए और कितने बजे उठना चाहिए। अगर हम रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह हम जल्दी ही उठ जाएंगे, अगर हम लेट सोएंगे तो लेट आँख खुलेगी, और जल्दी उठना है तो उठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वही तबीयत ख़राब होगा, ये वो दुनिया भर का लगा ही रहता है। तो हाउस वाइफ को, गृहिणी को, महिला को कब सोना है और कब उठना है वो तो अपने हाथ में है, अपने को टाइम मैनेज करना चाहिए कि हमें कब करना है क्या नहीं। और सुबह जितना जल्दी उठ जाओ तो उतना जल्दी अच्छा रहता है, सेहत भी अच्छी है रहती है, हेल्थ भी अच्छा रहता है, और अपना जो काम है वो भी जल्दी हो जाता है और अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। एक महिला को यही सब रहता है। अगर लेट, मैं भी पहले जब छुट्टी रहती है कभी कभी तो मैं भी लेट ही उठती हूँ, तो उस दिन पूरा दिन बेकार सा जाता है और बहुत अजीब सा लगता है, और ना पूरे बदन में शरीर में अजीब सा होने लगता, मतलब बहुत एकदम आलसपन भरा रहता है। तो इसलिए मैं भी कितने बार अपने ऊपर देखी हूँ, आजमाई हूँ कि जिस दिन लेट उठो तो यही होता है और पूरा शरीर जैसे बीमारी बीमारी सा लगने लगता है। और इससे अच्छा तो पहले ही सुबह उठ जाओ तो अपना काम भी सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे मैं काली मिर्च था उसे मैं पीस कर मिक्सर ग्राइंडर में मैं उसे रख देती हूँ, चाय वगैरह में डालने के लिए अच्छा रहता है, तो मैं चाय में ज़्यादा यूज करती हूँ। और यहाँ पर देखिए बर्तन धो रही हूँ, सब कुछ हो गया है काम मेरा, यहाँ पे चाय बन रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही थी, हमारे यहाँ क्या है ना, बारिश हो रही है, तो बारिश का मौसम अभी चालू हो गया है, तो चारों तरफ अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए साथ साथ में मेरा चाय भी हो गया और बर्तन भी धुल ली हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसे भून भी ली हूँ। दो दिन तो यही चला, दो लाई थी मैं, आप लोगों को मैंने दिखाया ही था मंडी से मैंने क्या लाया था क्या नहीं। तो मौसम ही बार बार आप लोग देखो, बारिश देखिए स्टार्ट हो गया है, आवाज़ भी आ रहा होगा आप लोगों को बारिश का, धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम में बारिश आ रही है और जा रही है, तो थोड़ा मौसम भी ठीक ही ठाक हो गया है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, ठीक ही है, लेकिन घर में थोड़ा उमस जैसा है, लेकिन फिर भी ठीक है। और यहाँ पर ये मैं निकाल ले रही हूँ, दो प्लेट में निकालूँगी, तो एक में मैं और
बच्चे खाएंगे, इतने छोटा वाला बड़ा बेटा अपना, मतलब ऐसे सब हम मैनेज करके खा लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे सिंपली ऐसे ही भून लो निकाल कर इसके दाने, और ऊपर से आपको कुछ डालना है मिर्ची वगैरह नमक तो आप डाल सकते हैं, तो मैं डालती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें डाल देंगे तो चटपटा हो जाएगा, चाट मसाला है तो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू और नमक ऐसा हल्का सा डाल देंगे, मैंने डाल दिया है तो थोड़ा इसका चटपटा और स्वाद एकदम अच्छा हो गया है, टेस्टी एकदम यम्मी यम्मी डिलीशियस सा बन गया है। आप लोग देखिए और कैसे मैंने बनाया, और आप लोग भी अपने घर में बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही चटपटा लगता है, अच्छा भी लगता है। और हमारा नाश्ता वगैरह हो गया, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेकर कट करने बैठ गई हूँ, सब्ज़ी कट कर रही हूँ मैं, फ्लावर की और लहसुन वगैरह सब मैं यहीं बैठ कर छीलूँगी। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, महाराज जी भी हैं, पढ़ा रहे हैं वो, और मैं यहाँ पे अपना मिल चलो जब तक बैठे हैं तो अपना सब्ज़ी वगैरह सब कट कर लूँ, उसके बाद फिर चलें बनाना। हमारा हाउस वाइफ का तो यही काम है, एक तरफ काम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरी तरफ हम काम सोच लेते हैं कि क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। तो यही सब है, यहाँ पे मैं सब्जी को कट कर रही हूँ। फ्लावर आज बनेगा हमारे यहाँ, बच्चे बोल रहे थे फ्लावर बना दो, तो मैंने चलो बना देते हैं, उनको पराठा खाने का मन था तो मैंने चलो साथ में फ्लावर की सब्जी गोभी की और पराठा बना दूँगी, हल्का सा मसालेदार थोड़ा सा बनाओ तो अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी बनता है, तो वही मैं करूँगी। और यहाँ पर सुबह भी हालाँकि मैंने सोयाबीन की सब्जी और पराठा ही बनाया था, तो कॉलीफ्लावर है तो बच्चों को फिर बंद कर दिया, मैं ली चलो सब्जियां रहती है तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊं और क्या नहीं, कौन सी सब्जी बनाऊं कौन सी नहीं, और नहीं है तो उसके लिए भी हम सोचते हैं कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। रोज़ रोज़ का यही हाउसवाइफ का रहता है कि डेली हम सुबह क्या बनाएं, रात को खाने में क्या बनाएं, नाश्ते में क्या बनाएं, सब कुछ सोचना ही हमें हाउसवाइफ को ही है, कोई कुछ बताता ही नहीं है, ये बनाओ वो बनाओ, तो सब अपने को ही मैनेज करना है देखना है, तो परेशान हो जाते हैं हम भी। मुझे तो बहुत कंटाला आता है, कोई बोल दे बना लो जो तुम्हारा मन करे, मुझे तो बहुत सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या बनाओ, ऐसा क्यों बोल दिए। तो फ्रेंड्स सब्जियाँ पे कट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।